Assalamu alaikum, good evening and welcome back to the channel. My dear student, in a very previous video we discussed about the capital budgeting techniques, in which we discussed about payback period, net present value, profitability index, and today we are going to discuss about the IRR and modified IRR, internal rate of return and modified internal rate of return. That are very much important techniques और बहुत सारे क्वेश्चन भी इस पर पूछे गए हैं कि किस तरह से सॉल्व होती हैं. तो मैं आज आपको ये इसको बहुत ही क्लियर मैनर के अंदर इसको मैं समझाने वाला हूँ. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, एंड देन फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम मॉडिफाइड आईआरआर पे जाएंगे. ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को. वैसे मैं ओवरऑल बताऊं तो एक ऐसा रेट होता है जिसके साथ हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जीरो पर लेकर आते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि जो कंपनी रेट प्रोवाइड कर रही है वो वाला रेट बेटर है, या जो हमने एक्सपोज किया, जो हमने रेट फाइंड आउट किया प्रोजेक्ट से, उस रेट से किस रेट तक हम जो है वो बेटर पोजीशन में होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट हम डिसाइड करते हैं. तो हम इसको पढ़ लेते हैं. आईआरआर इज दैट रेट एट विच द सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज इक्वल्स द सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज. ठीक है, दूसरे लफ्जों के अंदर अगर हम इसको डिस्कस करें, इन अदर वर्ड इट इज द रेट विच डिस्काउंट्स द कैश फ्लोज टू जीरो. अब यहां पे बड़ी गौर से समझने वाली बात है कि जो हम रेट सपोज करेंगे या जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी और उसके साथ उसको हमने जीरो के इक्वल लेकर आना है. किस तरह से हम जो रेट डिसाइड करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली आर फाइंड आउट करेंगे, आई इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करेंगे, हमने उस रेट को इस तरह का रेट फाइंड आउट करना है जो हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो प्रेजेंट वैल्यू हम उसकी फाइंड आउट करें, तो वो प्रेजेंट वैल्यू हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाए. जैसे कि हमने डिफरेंट कैश फ्लोज फाइंड आउट किए, जैसे ये हमारे पास है, इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें, निकालने के बाद ये 80,000 जो यहां पे गिवन है ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसके इक्वल हमने लेकर आना है. इस तरह का कोई रेट सपोज करना है, उस रेट को फाइंड आउट करने का नाम क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, इज द रेट एट विच डिस्काउंट द कैश फ्लोज टू जीरो, जो कैश फ्लोज को जीरो के इक्वल कर दे, वो रेट हमने फाइंड आउट करना है. अच्छा, इस प्रोजेक्ट में एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस किस बेस पे होगी. एक्सेप्ट वो वाला प्रोजेक्ट होगा इफ आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन एंड इक्वल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उस प्रोजेक्ट की कंपनी ने आपको गिवन होती है उस प्रोजेक्ट के अंदर, उससे अगर या तो उसके इक्वल आ जाए या उससे ग्रेटर देन हो तो हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा, जो रेट हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और जो कंपनी ने दिया है उसके अगर इक्वल आ गया या उससे ग्रेटर आ गया तो एक्सेप्टेड, और अगर लेस देन आ गया तो रिजेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट को. यहां पर क्लियर हो गया बात. चल आगे चलते हैं एडवांटेजेस के और डिसएडवांटेजेस के, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द आईआरआर. मेरिट्स इसकी क्या है कि ये कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट को ये कंसीडर करता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. टेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. हाँ, इसकी एक और भी स्पेशलिटी ये है आईआरआर की कि ये जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज हो रहे होते हैं उसको भी साथ साथ ये कंसीडर करता है, जबकि प्रीवियस हमने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे थे जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो भी आ रहे होते हैं उसको वो बॉदर ही नहीं करते. तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस को भी कंसिडर करता है. गिव मोर वैल्यू टू प्रेजेंट मनी वैल्यू. ये जो प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसको और ज्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि वो डिफरेंट रेट पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करता है, कैश फ्लो की फाइंड आउट करता है, फिर उसको उस डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को उसकी प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल करता है. तो इट्स मीन टू से दैट कि जो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको और ज्यादा वैल्यू यहां पे मिलती है. ये कुछ उसके एडवांटेजेस हैं. फिर उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस प्रोजेक्ट की जो है बेस बनाते हैं. ये सबसे पहला तो ये कि बहुत डिफिकल्ट है इस आईआरआर को डिफरेंट करना, डिफरेंट कैश फ्लो सपोज करके आप उसको फाइंड आउट करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है पहले तो. ठीक है, इग्नोर साइज ऑफ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के साइज को इग्नोर कर देता है. क्या मतलब है साइज को इग्नोर करना? साइज को इग्नोर करने का मतलब ये है कि ये जब भी कुछ जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा रिटर्न देते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कम रिटर्न देते हैं. तो ये एक ही, जब हम आईआरआर को दोनों प्रोजेक्ट स्मॉल साइज और लार्ज साइज का कंपेयर करेंगे तो वहां पर रिजल्ट्स आपके ठीक नहीं आएंगे. ठीक है, फिर है इग्नोर फ्यूचर कॉस्ट. ये फ्यूचर कॉस्ट को इग्नोर कर देता. फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रक पे इन्वेस्टमेंट की, आपका कैपिटल जो है वो ट्रक खरीदने पर लगा दिया आपने, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी. अब ट्रक खरीदने के बाद उसको उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए, उसको जो है वो बाकी उसके जितने भी रिपेयरिंग का काम भी चाहिए, उसके बाद फिर वो जो ट्रक जहाँ पे आपने बल्क में खरीदे हैं जहाँ वो खड़े करने हैं, स्पेस चाहिए उसके लिए, लेकिन जो बाकी कॉस्ट हो रही होती हैं, फ्यूचर कॉस्ट हो रही होती हैं, ये प्रोजेक्ट आईआरआर उसको कंसिडर नहीं करता. ये भी इसका डिसएडवांटेज में हम उसको कंसिडर करते हैं.
फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट री इन्वेस्टमेंट प्रिजम्पशंस। री इन्वेस्टमेंट प्रिजम्पशंस क्या है? कंपनी ने आपको एक रेट दिया है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या आर दिया है उसने 10%, ठीक है। आपने सपोज किया IRR फाइंड आउट करते वक्त आपने एक रेट लिया 15%, एक आपके पास 25 आ रहा है, मीन्स टू से दैट गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। आप इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ये वाला रेट के साथ फाइंड आउट कर रहे हो अपनी मर्जी के, जबकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो कंपनी तो आपको ये रेट नहीं देगी, ठीक है। आपने तो सपोज कर लिया, आपने तो कैश फ्लोज अपने इस पे फाइंड आउट किए, इस रेट पे फाइंड आउट किए, जबकि कंपनी आपको वो रेट नहीं दे रही, ठीक है। तो कंपनी आपको 10% दे रही है आपको, तो फिर इसका मतलब वो वाला प्रोजेक्ट आपका लायबल ना हुआ, आपका वहां पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी और आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इस वजह से हम ये कहते हैं कि री इन्वेस्टमेंट प्रिजम्पशन जो है, देखो ना, आपको एक 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 साल कैश फ्लो मिला, जैसे कि 15,000 मिला, आपने इसी कैश फ्लो को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, किस रेट पे, जो आपने सपोज किया हुआ जैसे कि 25%, जबकि कंपनी आपको अलाउ कर रही है 10%, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। आप तो सपोज कर लोगे, लेकिन जब मार्केट में जाओगे, कंपनी में जाओगे, तो वो तो आपको इतना पे नहीं करेगी, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट प्रिजम्पशन, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कंप्लीट हो गया। एनपीवी को अगर देखा जाए, नेट प्रेजेंट वैल्यू को, तो उसमें ये वाला नहीं आता, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लेके ही चल रहे होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, IRR का हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक प्रोजेक्ट है, क्वेश्चन वन है, ये जीरो डिनोट कर रहा है प्रेजेंट उसकी जो बेसिक वैल्यू होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। आप यहां पे भी इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं 80,000, जीरो वैसे, और माइनस का साइन जो है उसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और प्रोजेक्ट में 5 years हैं, और ये आपके पास गिवन डेटा है, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 12%। 12% आर आपको गिवन है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसको आप कह सकते हैं, और ये 12% है, ठीक है। जबकि हम जब भी IRR फाइंड आउट करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें भी ये मालूम होना चाहिए कि इसमें हमने रेट खुद सपोज करना है, और उस रेट के साथ हमने ये वैल्यूज को फाइंड, इनकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हमने लेकर आना है, इसको जीरो करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। जब हम ये जीरो कर देंगे, तो जो रेट हमारे पास आएगा वो एक्चुअल रेट होगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+R या I, ठीक है, और नंबर ऑफ N, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। अब हमने R खुद से सपोज करना है, उसकी जगह हम IRR यूज करेंगे, ठीक है। तो चलें अभी सपोज करते हैं, यहां पे हम सपोज IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप 14% ले रहे हो। पहले हम क्वेश्चन को 14% के साथ, ये आपने खुद से सपोज करना है, मतलब आप 15% से भी कर सकते हो स्टार्ट, आप 20 से भी कर सकते हो, लेकिन आपने ये पहले एक जो बेसिक आइडिया है वो आप 14 या 15 से स्टार्ट करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना कम या ज्यादा इंटरेस्ट रेट करना है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इसके इक्वल ले आओ, ठीक है। तो अभी हमने 14% सपोज कर लिया है, और हम इसको करते हैं क्वेश्चन को, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास है 15,000 फ्यूचर वैल्यू पहले साल की डिवाइडेड बाय 1+ IRR हमारे पास कितना है 14, तो ये 0.14 आ जाएगा, ठीक है। अब जो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का क्राइटेरिया है वो इसके अकॉर्डिंग है, अगर जो हम निकालेंगे रेट वो इसके ज्यादा होगा तो इसका मतलब एक्सेप्ट, अगर कम होगा तो वो रिजेक्ट होगा। आपको क्वेश्चन में दिया भी गया हो आर इतना है, तो आपने IRR करते वक्त खुद से रेट लेके नया रेट निकालना और इस इन्वेस्टमेंट को जीरो के इक्वल करना, आपने उसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा, फिर हमारे पास सेकंड प्रोजेक्ट है PV इज इक्वल टू 20,000 1+0.14 की पावर, यहां पे पावर थी 1, यहां पे थी 2, ठीक है। ये हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी वाले कॉन्सेप्ट चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं, 25,000 1+0.14 पावर 3, फिर 30,000 1+0.14 की पावर आ जाएगी 4, देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिफ्थ ईयर 35,000 1+0.14 की पावर आ गई 5, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मैंने सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हमने इसकी जो वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल करना है। इसके आंसर मैंने जो है वो निकाल के रखे हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो कम वेस्ट हो।
फर्स्ट का जो आ जाएगा हमारे पास, इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, 13,158, फिर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 15,379, ठीक है। फिर है 16,874, फिर हमारे पास आ जाएगी 17,762 एंड 18,178। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 81,361। ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है, जो कि आई है हमारे पास रेट के साथ 14% रेट के साथ, ठीक है। अगर आप इसको इसमें से 80,000 को माइनस करें, जो कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 80,000 को माइनस करने से आपके पास क्या बचेगा, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है, हमें तो इक्वल चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब हमें इस रेट को बढ़ाना पड़ेगा, जब भी हमें वैल्यू जो है वो कम चाहिए होती है या कम हम करना चाह रहे होते हैं तो हम इस रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर हमें वैल्यू जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है तो हम इस रेट को कम करते हैं, ठीक है, आर को कम करेंगे। तो ये बात आपको अंडरस्टूड होगी। तो ये हमारे पास एक के साथ वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमने 14% सपोज किया था, ठीक है। अब हम सी एफ नॉट के इक्वल करना है। अब हम ले रहे हैं दूसरा प्रोजेक्ट, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज रेट ऑफ IRR जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो है 15%। आपको पता चल गया यहाँ पे करने से कि ये बिल्कुल करीब तरीन आया। अब हम 15% करें तो इसका मतलब ये है कि ये 80,000 से कम आंसर आ सकता है। तो आपने भी इसी तरह से इसको चेक करना, आपको 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी रेट लेके इसको सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम जो है वो इसको दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। PV इज इक्वल टू फिर से वही 15,000 डिवाइड बाय 1 प्लस IRR की जगह पे अब हम कितना रेट लेंगे, 15%, तो कितना आ जाएगा, 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.15 आ जाएगा, पावर 1 आ जाएगी। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर आ जाएगी 2, देन प्रेजेंट वैल्यू 25,000 1 प्लस 0.15 की पावर 3, एंड देन 30,000 1 प्लस 0.15 की पावर 4, एंड देन फिर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिफ्थ ईयर की आ जाएगी 35,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 पावर 5। अब हम इनके आंसर जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको भी खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 15,123 आ जाएगा पावर 2 के साथ, पावर 3 के साथ आ जाएगा 16,438, ठीक है। फिर उसके बाद 17,153 और 17,402, ये हमारे पास वैल्यू। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, प्लस करने से हमारे पास ये आंसर आता है 79,159। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दफा अब हमने इसको जीरो के इक्वल करना है, तो इसका मतलब ये है कि जीरो के इक्वल डायरेक्ट तो नहीं आ सकती। 14% रेट लिया तो हमारी जो वैल्यू थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, उससे एक दफ़ा ज़्यादा आंसर आ गया, और एक दफ़ा हमने 15% लिया तो हमारे पास ये कम आंसर आ गया। अब हम इसकी करेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन एक फॉर्मूला है, उसके साथ हम इसका डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं, जिसको हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जीरो कर देगा। आप एक बात याद रखें कि जब भी IRR करेंगे आपको दो ही वैल्यूज चाहिए, दो ही रेट चाहिए, तभी आप जो है वो रेट निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक के साथ रेट नहीं आने वाला। एक दफा आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आंसर ज्यादा लेकर आना उसके करीब तरीन, और एक दफा उससे कम करीब। ज्यादा लेकर आने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है ये कम कर देना है, IRR रेट कम करेंगे, 14 है 13 12 11, और अगर आपको ये रेट जो है वो वैल्यू कम चाहिए ये वाली जो है, तो फिर आप इस रेट को बढ़ाएंगे, जैसे कि 14 15 16 17, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इंटरपोलेशन का एक फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, इसके साथ आप इस रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लोअर रेट ऑफ रिटर्न, लोअर रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है फॉर्मूला। आगे हम प्लस का निशान डालेंगे, हमारे पास यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे एक अंडरस्टूड कर लें कि यहाँ पे हमारे पास आएगा हायर रेट,
हायर रेट, मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ये होते हैं, माइनस लोअर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट, हम इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास आएगा हायर अमाउंट, हायर अमाउंट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल आउटले कह लें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह लें, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मैंने साइन डाल दिया। नीचे क्या आएगा हमारे पास, हायर अमाउंट, हायर अमाउंट माइनस लोअर अमाउंट। फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है, लोअर रेट ऑफ रिटर्न प्लस हायर रेट माइनस लोअर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हायर अमाउंट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय हायर अमाउंट माइनस लोअर अमाउंट। अब ये क्वेश्चन में हमारे पास सारी चीजें पूरी हैं, हमने रेट फाइंड आउट करना है, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब लोअर रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है, जो IRR आपने सपोज किया था, अब ये 15% हायर है और 14% लोअर है, तो इसका मतलब यहाँ पे लोअर रेट ऑफ रिटर्न आएगा कितना, 14 आ गया, प्लस का साइन डलेगा आगे, ठीक है। फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या है, हायर रेट माइनस लोअर रेट। हायर रेट हमारे पास कौन सा है, अभी यहां से देख लें कि हायर रेट हमारे पास कितना है, 15, लोअर रेट कितना है, 14, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 माइनस 14%, ठीक है। अब फिर आगे हमारे पास क्या आएगा, हायर अमाउंट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हायर अमाउंट कौन सी होगी, अब आप देखो ये 79,159 तो लोअर अमाउंट है, तो हायर अमाउंट कौन सी हुई, ये वाली हुई 81,361, तो ये हायर अमाउंट हुई ना, जो कि हमारी 14% रेट पे आई, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, हायर अमाउंट, हायर अमाउंट हमारे पास आ गई 81,361। माइनस क्या है, इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले आपके पास कितना है, 80,000, यहाँ पे आ जाएगा 80,000, ठीक है। सारी चीजें हमने फाइंड आउट की हुई है, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड में हमने क्या लिखा हुआ है, हायर अमाउंट माइनस लोअर अमाउंट। हायर अमाउंट हमारे पास कौन सी है, यही 81,361 माइनस लोअर अमाउंट आपके पास कौन सी है, ये जो आपने फाइंड आउट किया 79,159, तो यहाँ पे आ जाएगा 79,159, ठीक है। अब हम इसको जो है वो प्लस माइनस कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं जी, 14% प्लस ये 15 माइनस 14 वन आ गया, और 81,361 माइनस 80,000 कितना आ जाएगा, 1,361 डिवाइडेड बाय 81,361 में से 79,159 को माइनस करें तो आपके पास आएगा 2,202, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब 1,361 को हम 2,202 पे डिवाइड करेंगे और 1 में प्लस कर देंगे, आप इसको डिवाइड करके देखें क्या आंसर आएगा, मेरे पास आ रहा है 14 प्लस, हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.61, तो इसको हम 0.61, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 14.61 आपके पास IRR आ गया, ये हमने IRR यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आपके पास 1 उसमें 14 में रेट में हमने प्लस कर दिया, तो आपके पास ये रेट जनरेट हो आ गया 1461। अब ये एग्जैक्ट रेट जो आया है हमारे पास, इस रेट को अगर आप अब इस फॉर्मूले में इस आर की जगह पे पुट करें तो जो वैल्यू निकलेगी, इसी तरह से आप फाइंड आउट करें तो फिर आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 80,000। आप इसको करके भी देख सकते हैं, आप इसको खुद से कीजिएगा आपको, ताकि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। अभी ये जो रेट निकला है 14.61, ये वो एक्चुअल रेट है जिसके साथ हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जीरो कर सकते हैं। अब इसके एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का फैसला कर लें प्रोजेक्ट के, तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट, 14.61 चूंकि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमारा डिसीजन मेकिंग किस पे होगी कि अगर IRR हमारा ग्रेटर देन या इक्वल होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये 14.61 आ रहा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट क्या है हमारा, एक्सेप्टेड है। अगर बिलो देन 12 आता तो हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता, समझ आ गई बात की। तो ये हमारे पास प्रोसेस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस को, जब भी IRR आपने करना है तो आपके पास कम से कम 2 रेट आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। आप ज्यादा रेट लेंगे लेकिन आपको एक दफा आंसर इस अमाउंट से ज्यादा चाहिए और एक दफा आंसर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम चाहिए, तो 2 ऐसे रेट होने चाहिए जो 1 के डिफरेंस के साथ होंगे। ये 15% लिया, मैंने 14% लिया, तो हमारे पास दोनों की अमाउंट आ गई, हायर अमाउंट आ गई, लोअर अमाउंट आ गई। फिर इंटरपोलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन बोलते हैं, इंटरपोलेटेड फॉर्मूला ऑफ IRR, ठीक है। इसके साथ हमने ये वैल्यू निकाली है, फाइंड आउट की है, आप इस क्वेश्चन को देखें, रिपीट करें, कोई चीज नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट
पार्ट के अंदर मैं आपको मॉडिफाइड आईआरआर जो है वो करवा देता हूँ।